I'm Sukriti Pandit. I will start with the advertising. Chapter number 1, advertising media. Stop advertising is to save money is like stop watch to save time. Henry Ford ने बोला कि अगर ये कहते हैं कि stop advertising, save money, अगर पैसा बचाने के लिए advertising बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि समय बचाने के लिए घड़ी ही बंद कर दी जाए। अब एडवर्टाइजिंग कहाँ कहाँ पे होता है, वो कौन कौन से प्लेस पे होता है उसको देखते हैं। पहला प्रिंट एडवर्टाइजिंग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पे कर सकते हैं, मैगजीन्स पे कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग कौन कौन से सेक्टर में ब्रॉडकास्टिंग होता है, रेडियो पे होता है, दूरदर्शन और चैनल्स, अदर टीवी चैनल्स पे भी होता है। अदर विजुअल्स, डिजिटल वीडियो एंड केबल टीवी एंड सिनेमास, सिनेमा में जाके भी उसमें भी एक दो एड्स होते हैं। यहाँ पे बस एड्स हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं आगे से वो एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले अभी कहाँ कहाँ पे किस किस मीडिया का यूज़ किया जाता है, किस किस विजुअल्स का यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। आउटडोर में होर्डिंग्स का यूज़ करते हैं, नियॉन साइंस का यूज़ करते हैं। जैसे लाइक आपको हाईवे पे दिखेगा कि इतने दूर पे स्टारबक्स है, इतनी दूर पे ट्रांसिट एडवर्टाइजमेंट, वो कहाँ पे करते हैं, ट्रेन, बसेस, रेलवे स्टेशन। आजकल बसेस पे भी देखो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे और ट्रेन्स पे भी कुछ पोस्टर्स लगाए होते हैं वैसा। पॉइंट ऑफ परचेस, विंडो डिस्प्ले, टिन प्लेट बैनर, जो बैनर लगे होते हैं और डिस्प्ले में कोई भी गुड्स रखे होते हैं या फिर ड्रेसेस डिस्प्ले में रखे होते हैं तो उसको परचेस करने का मतलब, किसी भी चीज़ को अगर बार बार देखते हैं तो उसके बारे में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनते जाता है। अगर कोई ड्रेस हम लोग बार बार देख रहे हैं, हाँ ये ड्रेस अभी ट्रेंड में है और ये मॉल में भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, तो हमको वो या फिर कोई चीज़ यूनिक लगती है कि हाँ ये मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा इस प्राइस में, तो वो पॉइंट ऑफ परचेस हो जाता है कि मतलब डिस्प्ले में अगर लगा दिया तो वो देखने में बार बार आता है तो लोग सोचते हैं कि परचेस कर लूँ। और टीन प्लेट्स बैनर में भी यही होता है कि कोई गुड्स के, कोई कमोडिटीज़ के बारे में लगा दिया तो उसके ऊपर बार बार अगर निगाहें जाएंगी तो फिर शायद इंसान खरीदने की सोच सकता है। स्पेशलिटी की चैन्स में भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किए होते हैं, की चैन पे किसी के बारे में लिखा हो। अदर डायरेक्ट मेल एंड रूरल मीडिया मतलब गांव में, क्या इधर पे तो ऐसा कर सकते हैं बट जो गांव एरिया है वहाँ पे टीवी का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टीवी पहले नहीं होता था तो वहाँ पे, और वहाँ पे देखो फ्री वाला ज़्यादा चलता है, जो फ्री का डिश होता है वही ज़्यादा चलता है। और फ्री डिशेस में क्या होता है, पैसे नहीं पे करने पड़ते तो ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा करके उसको लगाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें कम पैसा लगता है और रेगुलर चलता भी है, वहाँ पे उसका कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है फ्री डिश का, तो इसलिए वहाँ का जो एडवर्टाइजिंग है वो अलग मतलब चैनल पे डिफरेंट हो गए। और वहाँ पे गांव-गांव में जाकर भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि मतलब कोई भी गुड्स अवेलेबल करा के एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, अब न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द न्यूज़पेपर प्लेस अ मेजर रोल टू एवरी डे लाइफ ऑफ द पीपल फॉर द ब्रिंगिंग न्यूज़ फ्रॉम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। न्यूज़पेपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने रेगुलर लाइफ में, जो कि हर जगह का अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक जगह पे बैठ के आप पूरे इंडिया के बारे में जान सकते हैं कि इंडिया में पूरे क्या चल रहा है, पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं कि क्या नया हुआ है, क्या पुराना है, फैशन सेंस न्यू आपको पता चलते हैं, एक्टर एक्ट्रेस क्या कर रही है इस टाइम पे पता चलता है। अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर कैरी अ शॉर्ट स्टोरीज, न्यूज़पेपर के साथ बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी भी आती है, जैसे कि बहुत सारे चुटकुले भी आते हैं न्यूज़पेपर में और कुछ पजल्स आते हैं, वो सब सुडोकोस आते हैं, तो वो सब एक मेजर रोल प्ले करते हैं न्यूज़पेपर में।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कैरेक्टरिस्टिक में मोस्टली हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही पढ़ने वाले हैं। एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग जिसमें आप अपने आप से भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको रियलिस्टिक में भी पता है कि न्यूज़पेपर में क्या होता है और क्या उसके प्रॉफिट है, क्या लॉसेस है, किस लिए न्यूज़पेपर यूज़फुल है, क्या उसमें का यूज़फुल नहीं है, वो आप लोग खुद से भी कुछ पॉइंट लिख सकते हो। तो अगर आप क्लियर एक व्यू देख लो तो आप अपने आप से भी कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर, पॉइंटर्स याद रहे तो उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। करंट इवेंट, करंट इवेंट के बारे में पता चलता है, जस्ट लाइक अगर 75वीं वर्षगांठ थी अभी, तो उसे कैसे हमें पता चला कि ऐसा टाटा सहारा सब लोग अपने वर्षगांठ के बारे में डालते कि इतनी एनिवर्सरी पूरी हो गई, इतने साल हमारे उसको पूरे हो गए, उसके बारे में उसमें रहता है, स्पोर्ट के बारे में रहता है, पॉलिटिक्स के बारे में रहता है कि अभी ये होने वाला है, पॉलिटिक्स का कब कब रिजल्ट आने वाला है, कब वोटिंग है, सब पता चलता है उसमें, करंट इवेंट्स क्या क्या चल रहे हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर में जो भी एडवर्टाइजमेंट रहता है उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहता है, कि मतलब अगर कोई भी कमोडिटी जैसे कार का एडवर्टाइजमेंट रहता है, फ्लैट्स का एडवर्टाइजमेंट रहता है, उसके बारे में उसका प्राइस क्या है, कहाँ पर है, वो सारे डिटेल में इंफॉर्मेशन दिए होते हैं। एडिटोरियल सपोर्ट होता है, जो पीपल न्यूज़पेपर बाय करते हैं वो उसको रीड करते हैं, उसका एड देखते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं, मतलब अगर कोई भी अच्छा लगे ऐड तो उसका बाद में वो चीज़ परचेस करने के लिए उसका यूज़ हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, एड्स कैन बी प्लेस्ड चेंज और कैटर डाउन विद द लिटिल पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिशियर, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी ये ऐड डाला फिर किसी ने ज़्यादा पैसे पे किए तो फ्रंट पेज पे किसी और का ऐड हो गया, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, नई नई चीज़ें पता चलती है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर हमेशा ओल्ड वाले चीज़ों को साइड करके न्यू मतलब रेगुलर अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कुछ न्यू ही अपडेट आएगा, एक ही न्यूज़ दो बार तीन बार वो लोग नहीं पब्लिश करते हैं। सच इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल इन द कास्ट ऑफ टीवी एंड मैगजीन्स, मैगजीन्स में और टीवीज में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम दिखने को मिलती है, कि जो एक बार ऐड देख लिया वो दोबारा तुमको नहीं दिखेगा। टीवी पे तो वही ऐड बार 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 रिपीटेशन होता है, और मैगजीन्स वीकली मैगजीन्स होते हैं और मंथली मैगजीन होते हैं, ईयरली मैगजीन होते हैं, तो वो जब प्रिंट होंगे उसके बाद ही कुछ उसमें चेंजेस आ सकते हैं, जब तक वही है तब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। फिफ्थ है ज्योग्राफिकल सिलेक्टिविटी, न्यूज़पेपर्स इसमें ज्योग्राफिकल सिलेक्टिविटी मतलब जो भी हमारा एरिया है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं न्यूज़। द एडवर्टाइजर कैन बी इफेक्ट रिसर्च एंड टारगेट ऑडियंस, जो हमारा मतलब जो जिस एरिया के बारे में, जैसे अगर हम लोग मुंबई का न्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं तो मुंबई के बारे में मुंबई के जो ऑडियंस है उनके अकॉर्डिंग ही हम न्यूज़ डालेंगे कि क्या यूज़फुल रहेगा उनके लिए। द एडवर्टाइजर कैन बी टेक एडवांटेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज इफ इज रिक्वायर्ड, वो अपने लोकल लैंग्वेज में भी डाल सकता है, जैसे अगर महाराष्ट्र का पेपर प्रिंट हो रहा है तो वो ज़्यादा करके मराठी में भी हो सकता है, मराठी इधर की लोकल लैंग्वेज है, और मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली सारे लैंग्वेज के पेपर कुछ मतलब फ्यू नंबर्स ऑफ पेपर्स बिक सकते हैं आराम से। तो वही ज्योग्राफिकल सिलेक्शन ज़रूरी है कि मतलब यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, कौन सा पेपर पढ़ना पसंद करते हैं वो देख सकते हैं। रेफरेंस वैल्यू, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग कैन बी प्रोवाइड द रेफरेंस वैल्यू ऑफ द राइडर्स टू इंटरेस्ट राइडर कैन बी डिफाइंड टू द एडवर्टाइजिंग मैसेज टू प्रिजर्व इट टू सिक्योर इट। प्रेफरेंस वैल्यू प्रोवाइड करती है न्यूज़पेपर कि उसको हम लोग मतलब बहुत लोग देखो न्यूज़पेपर की कटिंग्स रखते हैं, मतलब जिसका अगर न्यूज़पेपर में कभी फ़ोटो आया या फिर कुछ भी या फिर नई कुछ चीज़ें उनको मिली तो वो काट के उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं। साइज, द न्यूज़पेपर कैन बी टू साइज इज अ स्टैंडर्ड साइज एंड द टेबल साइज, द बोथ साइज आर
टारगेटेड देन दैट ऑफ द मैगजीन्स सिंस साइज डजंट मैटर। न्यूज़पेपर का साइज दो तरीके का होता है, एक मैगजीन जैसा होता है और एक नॉर्मल न्यूज़पेपर होता है जो कि थोड़ा बड़ा होता है मैगजीन से। और अगर इसमें से ये सारे 11 पॉइंट दिए हुए तो 11 पॉइंट्स लिखना हमको कंपलसरी नहीं है, हम लोग को ये आएगा 7.5 मार्क्स के लिए, तो 8 पॉइंट्स या फिर 7 पॉइंट्स इनफ हो जाएंगे अगर प्रॉपर लिख रहे हैं तो। ओके, ट्रैकिंग ऑफ रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग कैन बी जज वेरी क्विकली विच मे नॉट बी अ पॉसिबल इन द केस ऑफ अदर मीडियाज। न्यूज़पेपर को हम लोग क्विकली जज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में जो भी एडवर्टाइजिंग है उसको तुरंत हम लोग को पता चल सकता है, बट क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता है तो जो आज बता रहे हैं वो करंट प्राइस ही होगा ऐसा कह सकते हैं। तो न्यूज़पेपर का जो है उसको जज किया जा सकता है उसके रिजल्ट को, बट अदर मीडियाज में पॉसिबल नहीं है। जैसे टीवी पे कोई फ्लिपकार्ट का ब्रेक आता है, मैसो का ब्रेक आता है, उसमें रेट कुछ और दिया रहेगा, फिर ओरिजिनली हम चेक करेंगे तो रेट थोड़े हाई होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए जो रिजल्ट है न्यूज़पेपर में वो ट्रैक करना पॉसिबल है। एक्सपेंस फैक्टर, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस कम होता है, मतलब उसको हम लोग के लिए एक्सपेंसिव कम होता है, उसको खरीदना पॉसिबल होता है क्योंकि 7-8 मोर देन 7-8 से ज़्यादा तो नहीं मिलते होंगे शायद, उतने में हम न्यूज़पेपर बाय कर सकते हैं। बट अदर अगर देखा जाए तो मैगजीन्स बाय करने में हमको ज़्यादा पैसे लगते हैं, वो कौन सी मैगजीन बाय कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका प्राइस भी होता है। मोबिलिटी, द न्यूज़पेपर ऑफर द मोबिलिटी ऑफ द सीन्स दैट द न्यूज़पेपर कैन बी कैरी फ्रॉम द प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूज़पेपर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है ट्रेन से, कार से, बसेस से। इस मीन द रीडर ऑफ न्यूज़पेपर एट इट एस एंड व्हेन द टाइम इज प्रिमिटेड, जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है तब तक उसको यूज़ किया जा सकता है और उसके बाद भी उसका कुछ यूज़ हो सकता है न्यूज़पेपर का। ये हो गया 10 एडवांटेजेस। एडवांटेजेस किसी भी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो उसका लिमिटेशन होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, तो अब डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। इसमें से केवल हम लोग को 7 या 8 पॉइंट कैरी करना है, इसमें से 11 to 11 पॉइंट लिखना कंपलसरी नहीं है क्योंकि 7.5 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा 7.5 मार्क्स के लिए ही आएगा, और उसके साथ जो अनदर क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का वो आएगा एक। ओके, अब सेकेंड देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर। शॉर्ट लाइफ, न्यूज़पेपर का लाइफ शॉर्ट होता है, मतलब कि आज पढ़ लिया कल का न्यूज़, मतलब जो कल हुआ था वो आज के न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ है, फिर जो आज हुआ है वो फिर आगे वाले आने वाले कल के न्यूज़पेपर में प्रिंट होगा, तो उसका लाइफ बहुत शॉर्ट होता है। लिमिटेड कवरेज और सर्टन ग्रुप्स, उसमें सर्टन का लिमिटेड कवरेज रहता है, मतलब थोड़ा ही, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं प्रिंट कर सकते। जैसे किसी टॉपिक के बारे में, किसी केस के बारे में एक पेज पूरा बस उसी केस के बारे में प्रिंट नहीं कर सकते, उसका लिमिटेड कवरेज होता है। प्रोडक्ट डिमोनेस्ट्रेशन, प्रोडक्ट डिमोनेस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल टू न्यूज़पेपर, उसमें प्रोडक्ट डिमोनेस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है, अगर देखा जाए तो जैसे मैगजीन की क्वालिटी होती है वैसे आपको न्यूज़पेपर की क्वालिटी नहीं मिलेगी, मैगजीन की क्वालिटी ज़्यादा हाई होती है न्यूज़पेपर से। क्लटर्स, द न्यूज़पेपर दे आर सर्वल एड्स एंड सम आर सो प्लेस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट मैनर एंड दे अटैक्स एंड अटेंशन ऑफ द राइडर्स। ये बहुत बार एक लॉस की तरह भी होता है कि मतलब अगर देश के बारे में सब कुछ, क्या सुरक्षा का व्यवस्था है, किधर क्या हो रहा है, अगर ये सब कुछ पता चल जाए तो ये बहुत बार क्लटर भी फेस करना पड़ सकता है उसकी वजह से।
हैज स्टडी मोस्टली स्टडी इंक्लूडेड दैट एन एडवांटेज टू रीडर स्पेंड देम हाफ और हाफ इन द न्यूज़पेपर. जितने का हम लोग न्यूज़पेपर खरीदते हैं उसका हम लोग हाफ ही पढ़ पाते हैं और बाकी नहीं कर पाते, मतलब न्यूज़पेपर जल्दी ख़राब हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं. अनसुटेबिलिटी फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स. सर्टन प्रोडक्ट्स आर नॉट सुटेबल टू द एडवर्टाइजिंग इन द न्यूज़पेपर. फॉर इंस्टेंट हॉर्स प्रोड्यूस्ड विथ द लिमिटेड. अगर किसी सुटेबल मतलब कि कुछ गिने हुए लोगों के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट होता है वो न्यूज़पेपर में नहीं कर सकते, ऐसा है. जैसे इस क्राइटेरिया के लोगों को करना है, रिच लोग के लिए करना है, या फिर कुछ वो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उससे हर तरह के लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं. लैक ऑफ कंट्रोल ओवर प्लेसमेंट ऑफ एड, मतलब उसमें कंट्रोल कम होता है ओवर प्लेसमेंट, मतलब बहुत सारे ऐड बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, पेजेस ले लेते हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है न्यूज़पेपर में. डिक्लाइन इंटरेस्ट, दे हैव डिक्लाइन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली यंगेस्ट इन न्यूज़पेपर ऐड. फर्स्टली द रीडरशिप न्यूज़पेपर्स इन डिक्लाइन ड्यू टू द पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेट, पॉपुलरिटी ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की वजह से जो न्यूज़पेपर का क्रेज़ है वो बहुत कम हो गया है. जो आजकल के यूथ है वो न्यूज़पेपर पढ़ना उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, मोबाइल से ही सारे अपडेट मिल जाते हैं, टीवी से सारे अपडेट मिल जाते हैं, तो कोई न्यूज़पेपर उतना प्रेफर नहीं करता है, उसका डिमांड डिक्लाइन हो गया है. नाउ आई एंड विद द सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.